A very good morning students, welcome in the TSN Senior Secondary School online classes. Or I'm your English teacher and today we will read chapter 5, Hodgepodge on the Road. What the name is our chapter, Hodgepodge on the Road. कि हॉजपॉज का मतलब होता है जैसे कि हम रोड पर जाते हैं ना तो एकदम कई बार बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, तो हॉजपॉज ऑन द रोड कि रोड पर बहुत ज़्यादा रश हो जाना। इस वाले चैप्टर में हॉजपॉज का क्या मतलब है कि रोड का बहुत ज़्यादा बिजी हो जाना या रोड का एक तरीके से हो जाता है ना, कई बार ट्रैफिक रुक जाता है, तो वो ये वाला चैप्टर उस बेस में बना हुआ है, हॉजपॉज ऑफ द रोड की सड़क का एकदम से ट्रैफिक रुक जाना और बहुत ज़्यादा सड़क बिजी हो जाना। आई हैव लॉट्स ऑफ होमवर्क टू डू। अब यहाँ पर ये चैप्टर है, इसके अंदर शालिनी शर्मा जो है वो बता रही हैं कि आई हैव लॉट्स ऑफ होमवर्क टू डू कि मेरे पास करने के लिए बहुत सारा होमवर्क था। टू नाइट आई हैव टू राइट अ पेपर अबाउट एरोप्लेन्स। आज रात को मैं कुछ पेपर लिख रही थी एरोप्लेन के बारे में। आई लुक्ड अप थिंग्स अबाउट प्लेन्स इन स्कूल लाइब्रेरी टूडे। और इसीलिए आज जो स्कूल लाइब्रेरी है उसमें भी मैंने एरोप्लेन के बारे में ही काफ़ी खोजबीन की थी। एंड रॉट दैम इन दिस नोटबुक। और जब वहाँ पर मैंने एरोप्लेन के बारे में जानकारी हासिल की तो मैंने उसे अपनी नोटबुक में लिख लिया था। आई हैव टू टर्न माई पेपर इन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है, और मैं जो मॉर्निंग है उसमें सबसे पहला काम ये कर रही थी कि उन पेपर्स को जमा रही थी। वैलेंटीना मैथ्यू ग्रैब्ड हर कैप एज द विंड ऑलमोस्ट ब्लो इट अवे। देन शी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट टू बी अप इन द एरोप्लेन्स दिस आफ्टरनून, इट्स टू विंडी। वैलेंटीना मैथ्यू जो है वो अपनी जो कैब है उसको ज़ोरों से पकड़ रही थी क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी और वो ये कह रही थी कि मैं आज एरोप्लेन में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि आज बहुत तेज़ हवा है। आई लाइक व्हेन आई एम नॉट वियरिंग अ कैब आई हैव टू होल्ड माई हैड्स, सैड रिंकी सक्सेना। और रिंकी सक्सेना ने क्या बोला कि मुझे तो ये जो तेज़ हवा चलती है वो बहुत पसंद है इसलिए मैं कैप नहीं पहनती हूँ। आई हैव टू होल्ड माई हैड और इसी कारण से मैंने अपना सर पकड़ रखा है। क्या होता है कि बहुत तेज़ हवा चलती है तो हमारे सारे हेयर्स हैं वो उड़ जाते हैं, तो वैलेंटीना मैथ्यू ने तो कैप पहन रखी थी तो वो कैप भी उड़ने लगी थी तो वो कैप को पकड़ कर बैठ गई। लेकिन जो रिंकी सक्सेना थी वो बोली कि मुझे तो ये हवा जो चलती है वो बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं कैप वैप तो नहीं पहनती हूँ, लेकिन जब बाल उड़ता तो उन्हें संभालना पड़ता, तो उस तरीके से उन्होंने अपना हैट जो है अच्छे से पकड़ लिया। एट दैट मिनट द थ्री गर्ल्स रीच अ बिजी कॉर्नर इन द सिटी। और इसी समय में क्या हुआ कि तीन लड़कियाँ जो हैं वो सिटी के बिजी कॉर्नर पर पहुँच गई। देन सेवरल थिंग्स हैपन एट वंस। द स्टॉप लाइट्स फेसिंग द गर्ल्स टर्न रेड। द ट्रैफिक पुलिसमैन स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द वाइड स्ट्रीट हेल्ड अप द हैंड एंड ब्लू हिज व्हिसल। फोर लाइन्स ऑफ ट्रैफिक दैट हैड बीन मूविंग अलोंग ऑन द रोड केम टू स्टॉप। फोर लाइन्स ऑफ कार्स, बसेस एंड टैक्सीज बिगिन टू मूव अलोंग द अदर स्ट्रीट। अब ये सिटी का बिजी कॉर्नर था, वहाँ पर जो तीन बच्चियां थी वो आ गई थी और यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही थी कि एक ट्रैफिक मैन खड़ा हुआ था जो कि चारों तरफ सड़क थी तो वो जो फोर लाइन्स रोड थी उसके ट्रैफिक को वो कंट्रोल कर रहा था। बसेस वगैरह आ रही जा रही थी और काफ़ी रश था, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, टैक्सी, सब कुछ वहाँ पर चल रहा था, तो बहुत ही मतलब वो बिजी रोड थी जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था और वहाँ से जो तीन लड़कियाँ हैं, तीन बच्चियाँ वो गुजर रही थी। एंड एट द सेकेंड शालिनी शर्मा ड्रॉप द बिग नोटबुक शी बीन शोइंग टू हर फ्रेंड्स। और उसी रोड पर जो शालिनी है वो अपनी नोटबुक जो अपनी फ्रेंड को दिखा रही थी। द नोटबुक फेल ओपन, द स्ट्रॉन्ग मैन लिफ्टेड द पेपर्स आउट ऑफ द नोटबुक एंड कैरी देम इन टू द सिटी स्ट्रीट्स। अब क्या हुआ, जब वो अपनी नोटबुक जिसमें कि उसने एरोप्लेन के बारे में लिखा था अपनी फ्रेंड को दिखा रही थी, तो वो क्या हुआ, नोटबुक ओपन हो गई और उसमें से जो जितने भी पेपर उसने लगाए थे वो सारे पेपर जो हैं वो हवा की वजह से सड़क के चारों तरफ इधर उधर उड़कर चले गए। ओ नो, क्राइड शालिनी वॉचिंग द स्कूल पेपर्स फ्लाई ओवर एंड यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हैं वो कटे कटे से हैं तो इसलिए एक बार मुझे बुक में देखना पड़ेगा।
द स्ट्रॉन्ग विंड लिफ्टेड द पेपर आउट ऑफ द नोटबुक एंड कैरीड दैम इन टू द सिटी स्ट्रीट। तो जो तेज हवा चल रही थी वो नोटबुक से उससे नोटबुक जो है गिर गई, और उसमें इसके अंदर जितने भी पेपर्स उसने लगाए थे वो सारे पेपर जो है वो हवा की वजह से चारों तरफ उड़ के चले गए। ओ नो क्राइड शालिनी, शालिनी बहुत तेजी से चिल्लाई, वॉचिंग द स्कूल पेपर फ्लाई ओवर एंड एरियल एंड आउट ऑफ रीच। अब उसके जो वो पेपर थे वो इतनी दूर दूर उड़ गए थे कि उसके पहुँच से बाहर हो गए थे। पेपर्स गो इन टू द लेंस ऑफ मूविंग ट्रैफिक, वन पेपर फ्लो ओवर द पुलिसमैन हेड। और जो पेपर्स थे वो ट्रैफिक के बीच में भी उड़ उड़ कर चले गए थे, और एक पेपर तो पुलिसमैन के हेड के ऊपर से चला गया था। देन स्वेप्ट टू द ग्राउंड एंड नियर हिज फीट, और उसके पैर के पास गिर गया था। अ फ्यू पेपर्स ब्लू स्ट्रेट अप एंड अप हाई एज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और कई पेपर तो इतने ऊंचे उड़ गए कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक पहुंच गए थे। द मैंने पुलिस मैन सॉ व्हाट हैड हैपन, ही ब्लू द विसल अलोंग एंड लाउड। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पर पुलिस मैन खड़ा हुआ था, ट्रैफिक पुलिस, उसने देखा और उसने क्या करा, ट्रैफिक को रोकने के लिए विसल बजाई। ही स्टॉप्ड ऑल द ट्रैफिक एट द बिजी कॉर्नर, और उसने जो बिजी कॉर्नर पे से सारे ट्रैफिक को रोका। कम ऑन आउट इन टू द स्ट्रीट गर्ल्स, ही कॉल टू शालिनी एंड फ्रेंड्स, और उन्होंने कहा, उन्होंने शालिनी और फ्रेंड्स को बुलाया, कम आउट एंड गेट योर पेपर्स, कि जाओ मैंने सारा ट्रैफिक रोक दिया है, अपने पेपर्स को लेकर आओ। आई विल होल्ड अप ट्रैफिक विल गैदर दैम अप, जब मैं इस ट्रैफिक को तब तक रोक कर रखता हूँ, तुम अपने पेपर्स को लेकर आओ। फॉर अ सेकेंड द गर्ल्स वर हार्डली एबल टू बिलीव देयर आइज एंड ईयर्स, और उन गर्ल्स को अपनी आँखों पर और अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई पुलिसमैन ने ऐसा किया और उनकी मदद की। देन दे डैश इन टू द स्ट्रीट टू गेट शालिनी पेपर बिफोर दे ऑल डिसअपीयर। अब वो जो गर्ल्स थी तीनों, वो शालिनी के पेपर को पकड़ने इधर उधर भागी जिससे पहले कि वो गायब हो जाए। दे ट्राई टू गैदर दैम अप क्विकली बट द पेपर्स वर नॉट ईजी टू कैच, उन्होंने उन पेपर्स को पकड़ने की कोशिश करी लेकिन उन पेपर्स को पकड़ना इतना आसान नहीं था। जस्ट एज अ गर्ल वॉज अबाउट टू ग्रैब वन, द विंड वुड ब्लो इट अवे अगेन, जैसे ही कोई लड़की उसे पकड़ने की पेपर को पकड़ने की कोशिश करती तो वैसे ही हवा उसको उड़ाकर और कहीं ले जाती। द ड्राइवर ऑफ द टैक्सी गॉट आउट ऑफ हिज कैब विद अ पेपर इन हिज हैंड, यहाँ तक कि एक जो टैक्सी ड्राइवर था वो उसके टैक्सी में एक पेपर घुस गया, तो वो पेपर को लेकर अपने हाथ में बाहर निकला। ही वॉज गोइंग टू गिव टू वन ऑफ द गर्ल बट ऑल ऑफ देम वर बिजी कैसिंग अदर पेपर्स। अब वो जो टैक्सी ड्राइवर था वो उस पेपर को उनमें से किसी एक लड़की को देना चाहता था लेकिन वो सब पेपर को ढूंढने में बिजी थी। सो द टैक्सी ड्राइवर कैच द पेपर टू, देन अदर पेपर स्टार्टेड रनिंग आफ्टर द पेपर्स मेकिंग फैंसी लेप इनटू एयर टू कैच सम, डैशिंग इनटू द स्ट्रीट टू पिक अप अदर्स एंड गैदर देम वेयर दे कुड। अब जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी ये सब कुछ देखा और वो भी जहाँ जहाँ तहाँ से पेपर को बटोर सकते थे उन्होंने उस पेपर को वहाँ से उठाया और उन लड़कियों की मदद करने लगे। ऑल द ड्राइवर्स ऑफ द कार्स बसेस एंड ट्रक्स दैट वर स्टॉप्ड राइट एट कॉर्नर न्यू द कॉर्नर न्यू वाई द ट्रैफिक कुड नॉट मूव। अब लेकिन जो कई ड्राइवर्स थे कार के, बस के और ट्रक के, उनको ही समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रैफिक जो है वो क्यों रोका गया है ना। तो ट्रैफिक आगे बढ़, मतलब ये जो है ट्रैफिक क्यों जमा हो गया है वो नहीं समझ में नहीं आ रहा था। बट ड्राइवर्स हु वाज स्टॉप्ड अ फ्यू कार्स बैक फ्रॉम द कॉर्नर डिड नॉट नो, क्योंकि वो पीछे जो कि गाड़ियां खड़ी हुई थी उनके ड्राइवर्स को ये पता नहीं लग पा रहा था कि कारण क्या है, ये सारे ट्रैफिक को क्यों स्टॉप किया गया है। दीज ड्राइवर्स बिगेन टू हॉन्ग देयर हॉर्न्स एंड रेस देयर इंजन्स। अब इन ड्राइवर्स को क्या हो रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था इसलिए वो हॉर्न पे ऑन बजाए दे रहे थे और गुस्सा कर रहे थे इंजन पे, मतलब रेस दिए जा रहे थे। सम ऑफ देम पुट देयर हैंड्स आउट ऑफ द कार विंडोज एंड शाउटेड व्हाट्स द मैटर, उसमें से कुछ ड्राइवर्स ने विंडो से अपना सर बाहर निकाला और चिल्लाने लगे कि क्या हो गया है, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, कि क्या हो गया है, क्या मामला है। द हॉर्न्स एंड शाउट्स गॉट लाउडर एंड लाउडर एंड एंगर एंड अंगर। अब जो ये जो ड्राइवर्स की जो पीछे ड्राइवर्स थे जो पीछे गाड़ियाँ थी जिन्हें कुछ मैटर पता नहीं था, जिनसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो हॉर्न पे हॉर्न इतने जोर से बजाए जा रहे थे कि क्या मैटर है, क्या हो गया है, और इनके जो हॉर्न्स की आवाज़ है वो बहुत ही लाउड होती जा रही थी। पीपल वर्किंग इन द टॉल बिल्डिंग अलोंग द स्ट्रीट्स लैंड आउट ऑफ द विंडोज टू सी व्हाट द मैटर वाज। अब इतनी जोर से जब सारे के सारे
पीछे के ड्राइवर्स मेरे का हॉर्न बजाने लगे, तो वहाँ के आसपास के बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं वो भी अपने विंडो से बाहर आकर देखने लगे कि क्या हो गया है। सो द ड्राइवर्स न्यू व्हाट वाज हैपनिंग अप एट द कॉर्नर। द लाउड एंड एंग्री हॉन्किंग एंड द शाउटिंग स्टॉप्ड। थोड़ी देर बाद ही उन ड्राइवर्स को, जो कि बहुत ज़्यादा हॉर्न बजा रहे थे और गुस्सा हो रहे थे, पता लगा कि क्या मैटर है, तो उन्होंने चिल्लाना बंद कर दिया, हॉर्न बजाना बंद कर दिया। एवरीबडी इन द कार्स एंड इन द बिल्डिंग्स बिगेन टू लाफ एंड कॉल बैक एंड फॉर अबाउट द पेपर कैश ऑन द रोड। जब सब लोगों को, जो कि बिल्डिंग में भी रहते थे या फिर जो कि गाड़ी चला रहे थे, हॉर्न बजा रहे थे, सबको इस बात का पता लगा कि पेपर जो है वो रोड पर बिखर गए हैं, ये जानकर उनको बहुत ज़्यादा हंसी आने लगी और बहुत हंसने लगे। द एंग्री फीलिंग डिसअपीयर्ड और उनका जो गुस्सा था वो गायब हो गया। बिफोर मैनी मिनट्स हैड गॉन बाय ऑल द शालिनी पेपर हैड बीन कलेक्टिव। और कुछ ही समय के अंदर जो शालिनी के पेपर थे जो कि बिखर गए थे हवा की वजह से, सारे कलेक्ट कर लिए गए, इकट्ठे कर लिए गए। अ यंग मैन लिविंग आउट ऑफ अ सेकेंड फ्लोर विंडो शाउटेड लेट्स गिव थ्री चीयर्स फॉर अ ट्रैफिक पुलिसमैन। और एक आदमी जो कि सेकेंड फ्लोर पे रहता था और वो विंडो से चिल्लाया कि हमें ट्रैफिक पुलिसमैन के लिए ज़ोरों से ताली बजानी चाहिए। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था ये था कि शालिनी के जो पेपर्स थे वो रोड पर बिखर गए थे तेज़ हवा के कारण, और उसमें बेसिकली जो उसकी मदद करी किसने करी, पुलिसमैन ने करी, ट्रैफिक पुलिसमैन ने। उसने सारा जो ट्रैफिक था वो रोड दिया, सॉरी जो सारा ट्रैफिक था वो रोक दिया ताकि जो शालिनी अपने पेपर्स को कलेक्ट कर सके। और उसकी हेल्प ड्राइवर्स ने भी करी और दूसरे लोगों ने भी उसकी हेल्प करी पेपर्स को बटोरने के लिए, और इस तरीके से शालिनी के जो पेपर है वो सारे इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था। यदि समझ में आए तो बहुत ही अच्छी सी ये स्टोरी थी, हॉजपॉज ऑन द रोड, कि रोड का बिजी हो जाना और किस वजह से हुआ था कि शालिनी के जो पेपर्स हैं वो पूरी सड़क के चारों तरफ बिखर गए थे, और उसको पेपर्स को कलेक्ट करने के लिए जो ट्रैफिक पुलिसमैन था उन्होंने शालिनी की मदद करी और उन्होंने सारा ट्रैफिक रोड रोक दिया था। और जितने भी ड्राइवर्स हैं जो कि पीछे थे, जिन्हें कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजा रहे थे और इतने ज़ोर की हॉर्न की आवाज़ सुनकर आसपास के बिल्डिंग के लोग जो थे वो भी विंडो से देख रहे थे। लेकिन बाद में जब लोगों को मैटर पता लगा कि क्या मामला है, तो ये सुनकर लोगों को हंसी आई और बाद में लोगों का गुस्सा गायब हो गया और थोड़े ही समय में शालिनी के जो सारे पेपर थे वो कलेक्ट कर लिए गए। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है या जितनी भी एक्सरसाइज है वो मैं आपको PDF में दे दूँगी, जो आप प्लीज़ टाइम पर करिएगा। सो डू योर वर्क नीट एंड प्रॉपरली एंड डू योर वर्क ऑन टाइम। थैंक यू सो मच।